गुड मॉर्निंग योद्धाओं, आई होप कि कल आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा जहां आपने टेस्ट ज्वाइन किया होगा, और जिन्होंने टेस्ट ज्वाइन नहीं किया होगा वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल के हिंदी के पुराने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे। और हम लोगों ने इस दौरान जितने भी डेली कुछ कुछ हिंदी पढ़ा होगा उसका कुछ एक परिणाम भी आपको टेस्ट सीरीज में ज़रूर मिला होगा, कुछ हेल्प ज़रूर हुई होगी। धीरे धीरे ये और इम्प्रूव होगा, हम लोग इसमें और इम्प्रूव करेंगे तो ये इम्प्रूवमेंट भी आपको आगे दिखेगा। इसी क्रम में चंद्र अकेडमी में 4 तारीख को और दिल्ली एस में 5 तारीख को इंग्लिश का टेस्ट है, तो अब हमारा टारगेट में इंग्लिश के कंटेंट ज़्यादा होंगे और बाकी सब्जेक्ट के कम होंगे। तो अब आपको आज इंग्लिश में टेंस और वॉइस चेंज, ये दो टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो जिनके पास जो बुक है उससे पढ़ सकते हैं। मैंने एस पी बक्सी की अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक रिकमेंड किया था, वो ले सकते हैं आप। और जिनका कॉन्सेप्ट वीक है, जिनको नहीं आता वॉइस चेंज या फिर टेंस, तो वो क्या करेंगे, मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पे 2-3 अच्छे अच्छे टीचर के वीडियोस हैं, टेंस के भी और वॉइस चेंज के भी, 2-3 अलग अलग टीचर के हैं। आपको जो भी अच्छा लगे उसमें से वो टीचर का वीडियो देख के आप अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ले सकते हैं। और जिनकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है उनको तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट अपने बुक से प्रैक्टिस करिए और उसको क्लियर करिए वो टॉपिक को, इस है ना। तो ये इंग्लिश का टास्क रहेगा आपका। इसके अलावा मैंने इस वीक में हमारा एक साइंस का टॉपिक बचा हुआ है, तो आज आपको साइंस में ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना है, उस एक चैप्टर पढ़िए और 5 से 6 बार 10 बार पढ़ने का प्रयास करिए कि जब तक वो याद ना हो जाए। मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, उस कंटेंट को याद कीजिए और धीरे धीरे, मतलब छोटा छोटा एक एक यूनिट जब हम लोग पढ़ते हैं तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं और हमको पता बर्डन भी नहीं पड़ता है। इसीलिए इनिशिएटिव के तहत हम लोग हर वीक में एक चैप्टर मैथ्स का, एक चैप्टर साइंस का और एक चैप्टर दर्शन का कंप्लीट करते हैं। और इसके साथ ही जो रूटीन टेस्ट सीरीज का शेड्यूल होगा उसको भी हम लोग पैरेलली चलाते हैं, तो यही हमारा शेड्यूल भी रहेगा, नेक्स्ट वीक में भी यही रहेगा। तो कल रात को हम लोगों ने मैथ्स का कुछ टेस्ट लिखा है, लगभग उसमें मैंने अभी 27-28 क्वेश्चन दिया है, उसमें 10 क्वेश्चन और आएंगे तो वो आज हम लोग करेंगे। तो आज हमारे टास्क में एक एक्स्ट्रा बर्डन भी पड़ जा रहा है जो कल हम लोग को करना था लेकिन कल नहीं कर पाए, तो आज भी आप समय निकाल के उसको ज़रूर करिएगा। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मैं और दूंगा, उसमें को फिर फाइनल आपकी फेयर कॉपी में वो हो जाना चाहिए। तो ये मैथ्स का रहेगा, उसके सॉल्यूशन मैं कल तक प्रोवाइड करता हूँ। और साइंस का आज पढ़िए, कल हम लोग साइंस के ऊपर टेस्ट लेंगे। दर्शन का एक योग दर्शन वाला टॉपिक के ऊपर हमारा टेस्ट नहीं हुआ है, तो कल हमारा दर्शन का योग दर्शन और साइंस का एक चैप्टर, इसके ऊपर एक टेस्ट हम लोग छोटा सा लेंगे। और आज आप लोग साइंस पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए और छत्तीसगढ़ का शब्दकोश पढ़िए जो मैं ग्रुप में डाल दूंगा वो आप पढ़िए, और विनय कुमार पाठक से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, लगे रहिए मेहनत करते ही, कल मिलते हैं फिर एक नए टारगेट के साथ।